नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। और ऑडियो गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लॉजिटेक का Z906, जो कि काफी पहले से आ रहा है और अभी तक स्टिल मार्केट के अंदर है। हो सकता है कि इस वीडियो को बनाने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बहुत सी गालियां भी पड़े, क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज्यादा है इसको लेकर। जो बंदे यूज कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली मुझे शायद हो सकता है कि गालियां निकाले, बट चलिए फिर भी जो होगा देखा जाएगा। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जिन ब्रांड्स के बारे में या जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं या जिसमें इवन मैं डील भी करता हूं, वो सभी जो उनसे हैं एक अलग कैटेगरी की आ जाते हैं, जो कि हम जिसको एक ओरिजिनल होम थिएटर्स बोल सकते हैं उन कैटेगरी में आते हैं। तो ये मोस्टली यूट्यूब के अंदर जितने भी होम थिएटर्स बोलकर दिखाए जाते हैं तो वो होम थिएटर्स नहीं होते, वो मल्टीमीडिया स्पीकर्स होते हैं। बट आज जिस मॉडल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे हम एक तरीके से होम थिएटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक TH सर्टिफाइड सिस्टम है। तो मतलब कि अगर TH सर्टिफिकेशन उसको मिला हुआ है तो वो होम थिएटर के कैटेगरी में ही आ जाता है। मगर लोगों के बहुत सारे डाउट्स भी हैं और काफी सारे सवाल भी हैं इसको लेकर कि ये ज्यादा अच्छा है या नहीं है, बहुत सी चीजें हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं चीजों के बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशंस वगैरह के अंदर नहीं उलझाऊंगा, उसके लिए बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी कई सालों से डलती आ रही हैं, तो आपने आई थिंक सभी ने देखी होगी वो वीडियोस। मेन जो सी चीज है उसके बारे में बात करेंगे, बाकी जो मोस्ट बातें हैं जो इसके अंदर में कमी है या जो चीजें इसमें सही होंगी मैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा, चाहे वो आपको बुरी लगे चाहे वो आपको अच्छी लगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनली लॉजिटेक के Z906 के बारे में। तो चलिए सीधा प्रोडक्ट में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे अनबॉक्सिंग वगैरह करके उसका टाइम खराब नहीं करूंगा मैं, सीधा और सीधा प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा डीपली हम इसमें नहीं घुसेंगे इसकी स्पेसिफिकेशंस में, तो मोटी मोटी सी जो सी बातें हैं वो यहाँ पर पहले क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इस सिस्टम के साथ में हमें एक कॉन्सोल मिलता है जो कि एक ऑपरेटिंग के लिए है, सारा जो आप सिस्टम को ऑपरेट करेंगे वो इसी से करेंगे। साथ में हमें रिमोट कंट्रोल भी मिलता है जिससे कि आप सभी फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें एक मिल जाता है 8 इंचेस का सबवूफर और 5 हमें मिलते हैं स्पीकर्स, इसमें से 4 सैटेलाइट स्पीकर्स और 1 सेंटर स्पीकर है। सभी के अंदर 3 इंच का फुल रेंज ड्राइवर दिया गया है, सबवूफर में हमें 8 इंचेस का ड्राइवर मिलता है। तो ये जो पूरा पैकेज है ये THX सर्टिफाइड है। और कनेक्टिविटी की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें मिल जाता है 2 ऑप्टिकल का ऑप्शन, 1 कोएक्सियल का ऑप्शन और 1 हमें मिलता है RCA एनालॉग का ऑप्शन एंड एनालॉग डायरेक्ट 6 चैनल का ऑप्शन हमें मिल जाता है, जो कि 3.5 mm की कनेक्टिविटी के साथ में दिया गया है। सभी स्पीकर्स केबल एंड कनेक्टिविटी वायर्स इसके साथ में मिलती हैं और साथ में मिलती है एक ये मैनुअल, जो कि प्रेम पत्र आता है कंपनी वालों की तरफ से आपके लिए। तो ये चीजें हैं जो इसके साथ में मिलती हैं। अगर यहां पर वॉटेज की बात करते हैं तो टोटल आउटपुट वॉटेज जो बॉक्स पर मेंशन होती है वो होती है 1000 वॉट, बट वो पीक पावर होती है ओरिजिनल RMS वैल्यू में अगर हम जाते हैं तो वो है 500 वॉट्स टोटल सिस्टम की, जिसमें 165 वॉट्स का हमें ये सबवूफर मिलता है और 67 वॉट्स का स्पीकर मिलता है, यानी कि 67 वॉट्स इनटू 5। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये सिस्टम है वो इसी से कंट्रोल होता है जो कॉन्सोल हमें साथ में मिलता है, एंड ये जो कॉन्सोल है इसे भी इसी सबवूफर के साथ में ही कनेक्ट किया जाता है। बाकी की सारी जो कनेक्टिविटी है वो भी सारी आपको सबवूफर के पीछे ही देखने को मिलती है। कंसोल के अंदर आपको एक हेडफोन जैक मिल जाता है एंड एक 3.5 mm की कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, बाकी का सभी कंट्रोल जो है वो इसी पे दिया गया है। तो चलिए यहां पर अगर बात करते हैं इसकी कमियों के बारे में, अगर तो सबसे बड़ी कमी है इसमें HDMI ऑप्शन का ना होना, क्योंकि बहुत से ऐसे अच्छे फॉर्मेट जो से हैं वो सिर्फ और सिर्फ HDMI के थ्रू डिकोड किए जा सकते हैं, ऑप्टिकल या कोएक्सियल के थ्रू आप उन्हें डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी कमी इस सिस्टम की यही है कि ये बहुत से अच्छे फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करता है। ये उसे प्ले जरूर करेगा बट जो उनका एक्चुअल इफेक्ट है वो आपको नहीं देता है। डॉल्बी डिजिटल तक का फॉर्मेट जो है उसे ये सपोर्ट करता है। अगर आप इसे म्यूजिक के लिए ले रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपडेट रहना चाहें सभी फॉर्मेट्स के लिए तो ये चुनाव बिल्कुल गलत रहेगा। सेकेंड कमी की अगर यहां पर बात करते हैं तो वो है इसके स्पीकर्स, जिसमें हमें 3 इंच का फुल रेंज ड्राइवर दिया गया है, इसमें हमें ट्वीटर नहीं मिलता है। अगर आप अच्छी हाइज के शौकीन हैं मेरी तरह तो ये कमी आपको खल सकती है। अगर बढ़ते हैं आगे इसकी कमियों की तरफ, तो अगर आप इसे लेना चाह रहे हैं और आपके पास में एक नया टीवी है तो आप एक बार टीवी की कनेक्टिविटी को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल के मोस्टली जितने भी टीवीज आ रहे हैं उनके अंदर HDMI ARC या ERC का पोर्ट दिया गया होता है, उसके अंदर आपको कोएक्सियल आउटपुट या फिर ऑप्टिकल आउटपुट नहीं मिलता है।
तो अगर आपके पास ऐसा टीवी है तो ये सिस्टम आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इसमें HDMI का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अगली अगर कमी की तरफ बढ़ते हैं तो वो है इसमें हमें बास एंड ट्रबल का कंट्रोल नहीं मिलता है, जो कि होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिविजुअली आप सभी चैनल्स के वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, बट उसमें भी लेफ्ट और राइट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। अगर आप फ्रंट की आवाज को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं तो दोनों की जो आवाज है वो एक साथ बढ़ती है, एक साथ कम होती है। इसी तरीके से जो हमारे सराउंड स्पीकर्स हैं उनमें भी यही चीज आपको देखने को मिलती है। बाकी सेंटर स्पीकर का जो सा वॉल्यूम है उसे आप चेंज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, एंड सबवूफर में भी हम ऐसा कर सकते हैं, मगर हमारे पास में बास एंड ट्रबल को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। एंड यहां पर अगर बात करते हैं अगली कमी की, तो यहां पर अगली कमी हमें मिल जाती है ब्लूटूथ एंड वाईफाई की। अगर आप म्यूजिक लिस्नर हैं तो भी ये कमी शायद आपको खल सकती है, क्योंकि आजकल के जितने भी सिस्टम्स आ रहे हैं उनके अंदर हमें ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है या फिर वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है। वाईफाई अगर दिया गया है तो आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अगर ब्लूटूथ दिया गया है तो आप अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने लैपटॉप से किसी भी ऐसी डिवाइस से जिसमें कि ब्लूटूथ दिया गया है आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो एक और कमी की बात करते हैं अगर, तो वो है इसका LCD डिस्प्ले का ना होना, क्योंकि आपको नहीं पता लगता है कि आपने चैनल्स को किस लेवल पे रखा हुआ है, आपका फ्रंट चैनल है जो किस स्टेज पे चल रहा है, आपका सबवूफर वॉल्यूम है वो कितना है, आपको कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिलता है। इंडिकेशंस दिए गए हैं बट वो बाद में हट जाते हैं वहां से, तो आपको डिजिटली कुछ पता नहीं लग पाता है कि इसमें आपने जो सेटिंग कर रखी है वो किस तरीके से की हुई है। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी कमियां बता दी है इस बंदे ने, पता नहीं क्या सा दिमाग है इसका, तो ऐसा नहीं है। देखिए कमियां जहां पर होती है वहां पर कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं। तो अभी इसकी अच्छाइयों की बात अगर करते हैं तो वो आ जाती है सबसे पहले इसकी साउंड क्वालिटी। साउंड जो है काफी ज्यादा क्रिस्प है, बेस काफी ज्यादा आता है अगर आप बेस के शौकीन हैं, एंड डॉल्बी डिजिटल THX सर्टिफाइड एंड DTS का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी बात है। अगर आप कोई भी सिग्नल इसे दे रहे हैं जो कि 5.1 चैनल है तो उसे परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा सिस्टम है ये, आपको इस बजट के अंदर शायद ऐसा सिस्टम नहीं मिल पाएगा। और अगर आप उन बंदों में से हैं जो कि दूसरों के घर की खिड़कियां हिलाने के शौकीन हैं तो आई थिंक ये सिस्टम आपके लिए तब भी सही रहेगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लो फ्रिक्वेंसी मिल जाती है। तो अगर बढ़ते हैं अगले प्लस पॉइंट की तरफ तो वो आ जाती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी गई है, सभी स्पीकर्स के अंदर जो मटेरियल को यूज किया गया वो भी काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है। जो कंसोल है उसके लिए भी जो प्लास्टिक को यूज किया गया वो भी काफी अच्छा है। MDF के अंदर हमें इंक्लोजर मिल जाता है, पोर्टेड इंक्लोजर है, साइड में पोर्ट दिया गया, पोर्ट भी काफी ज्यादा बड़ा दिया गया है, एंड जो क्वालिटी है उसकी वो भी अच्छी दी गई है। और जो हमारे सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं उनके अंदर जो ड्राइवर दिया गया है उसकी क्वालिटी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा अच्छी दी गई है। अगर बैक पैनल की हम बात करते हैं तो आपको इसे माउंट करने के लिए भी यहां पर ऑप्शन मिल जाता है। तो अगला जो सा प्लस पॉइंट है वो आ जाता है इसको कनेक्टिविटी को लेकर। कनेक्टिविटी में हालांकि काफी कमियां मैंने आपको बताई हैं बट कुछ अच्छाइयां हैं, वो है एक तो देखिए इसे सेटअप करना बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप एक होम थिएटर यूज कर रहे हैं जो कि एक AVR बेस्ड है तो उसमें कनेक्टिविटी एंड जो फंक्शनैलिटी होती है उनकी उसमें काफी सारी सेटिंग्स हमें करनी पड़ती हैं, तो कुछ लोगों के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत इजीली तरीके से इसमें तारें लगा देनी है, सभी वायर्स को कनेक्ट कीजिए और ये चल पड़ता है। एंड जो कनेक्टिविटी वायर्स हमें दी गई हैं साथ में उनका आना भी एक अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा जो प्लस पॉइंट वायर्स को लेकर है वो है कि आप अपनी मर्जी से वायर्स को चेंज भी कर सकते हैं। मोस्टली जो एंट्री लेवल के सिस्टम्स आते हैं जो कि इस तरीके के होते हैं विदाउट AVR के साथ, जैसा कि आपने सोनी वगैरह में देखा होगा, उनकी जो वायर होती है उसे हम बदल नहीं पाते हैं, उसके पीछे कनेक्टर नहीं दिया गया होता, डायरेक्ट वायर अंदर से आ रही होती है। बहुत से सिस्टम्स ऐसे आते हैं तो उसमें वायर हम चेंज नहीं कर पाते हैं, बट ये भी इसका एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि इसमें अगर आपको तार छोटी पड़ रही है तो आप उसे इजीली चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो इसमें हमें जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं उसमें भी इसका प्लस पॉइंट में हम इसे गिन सकते हैं। सिर्फ इसमें HDMI का ऑप्शन हमें नहीं मिलता है, बाकी डिजिटल के अंदर हमें कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल का ऑप्शन दिया गया है, साथ में एनालॉग में भी हमें काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आप एक म्यूजिक लिसनर है तो आपके लिए ये काफी ज्यादा बेटर रहने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं इसके अगले प्लस पॉइंट की, जो कि इसका आखिरी प्लस पॉइंट है और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसका प्राइस। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको आई थिंक ऐसा सिस्टम, ऐसी आउटपुट देने वाला सिस्टम नहीं मिलता है, तो काफी ज्यादा बड़ा प्लस पॉइंट आपको ये भी मिल जाता है इसमें। और सेकंडली मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 साल से ये मॉडल कंटिन्यूअसली आ रहा है, अभी तक चल रहा है, कंपनी ने इसे बंद नहीं किया है, क्योंकि इसकी जो सेल है वो इंडिया में बहुत अच्छी जा रही है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि हम ये नहीं देखते कि ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये हमें कितना सुकून दे रहा है, हम ये देखते हैं कि ये जो म्यूजिक सिस्टम है ये दूसरे को कितना परेशान कर रहा है, यानी कि बेस जो है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लोग मुझे फोन करते हैं कि भाई साहब सिस्टम चाहिए है, पड़ोसियों की खिड़कियां हिल जाएं, बर्तन गिर जाएं, तो ऐसे जो उनसे लोग हैं उनके लिए ये ठीक रहेगा। और फ्रेंड ये थी इसकी कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां, बाकी का डिसीजन जो है वो आप लोगों का है कि आपको क्या लगता है। आपको कमियां भी बता दी हैं और आपको अच्छाइयां भी बता दी हैं, तो आपके लिए क्या सुटेबल है और क्या नहीं है इसका जो चुनाव है वो आप लोगों ने करना है। इस वीडियो के अंदर मैं अपना ओपिनियन कोई खास नहीं दूंगा, ना मैं इसे बहुत अच्छा बोलूंगा और ना मैं इसे बुरा बोलूंगा। ये जो
सीजन है ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, तो आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये कितना ज़्यादा सही है या नहीं है। सभी पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप अपना डिसीजन मुझे बताइएगा या अपनी पसंद बताइएगा मुझे। और एक इसका हम छोटा सा डेमो और देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी मिल सके। फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं आशा करता हूँ कि इस डेमो को देखने के बाद में आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपका क्या डिसीजन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर यही था, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अवेयरनेस चाहते हैं या जानना चाहते हैं कुछ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जो कि इसी से रिलेटेड है। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, एक उन्हीं का चैनल है वो, और आप अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो चैनल जो सा है उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानकारी चाहते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को चलिए यहीं समाप्त करते हैं, इस वीडियो में इतना ही था। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी कुछ जानकारी आपको मिलती रहेगी। कुछ यूज आइटम्स होती हैं जो कि मैं वहां डालता हूं, हो सकता है वो आपके लिए बेटर हो, और कुछ स्कीम्स हैं या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, डेमोज होते हैं, वो मैं वहां पर डालता रहता हूं। तो आप मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर से मिलूंगा मैं आपसे नई वीडियो के अंदर। और जाते जाते हमेशा की तरह एक ही बात आपसे कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।